हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं पार्ट आई पर। मैम ने आपको पार्ट एच तक पार्ट बी वीडियो में समझाया था, अब हम इस वीडियो में करेंगे पार्ट आई से। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इंसर्ट ग्रेटर देन और लेस देन इन द बॉक्सेस। सबसे पहले हम दोनों डिजिट को कंपेयर करेंगे कि कौन सी डिजिट ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलर है। जो ग्रेटर होती है हम उसी की साइड माउथ ओपन करके उसका साइन लगा देते हैं, ग्रेटर का साइन लगा देते हैं। ओके, फर्स्ट चेक करते हैं 9532। सेकंड डिजिट क्या है? 10131। तो हमारी ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सी हुई? ये वाली 10131, इसलिए हमने ग्रेटर वाला साइन इधर की साइड लगा दिया। नेक्स्ट चेक करते हैं 34211। नेक्स्ट डिजिट क्या है? 40021। हमारी ग्रेटेस्ट क्या हुई? 40021, इसलिए हमने ग्रेटर का साइन लगा दिया। पार्ट जी, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच सेट। ये हम नोटबुक में करेंगे। पहले हम रीड करेंगे हमारी नंबर क्या क्या, हमें नंबर क्या क्या दिए हुए हैं। फर्स्ट 73141, 41135, 45069। तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या हुआ इन सब में? ये वाला 73141 इज ए ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट मीन सबसे बड़ा नंबर। ऐसे हम सेकंड में चेक करेंगे 70007, 77770, 7007। अब हम इसमें चेक करेंगे ग्रेटेस्ट क्या है। हमारा ग्रेटेस्ट है 77770 इज ए ग्रेटेस्ट नंबर। पार्ट के, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच सेट। हमें वही, उसमें तो हमने ग्रेटेस्ट बताया था, इसमें हम स्मॉलेस्ट बताएंगे। स्मॉलेस्ट मीन्स छोटा। तो फर्स्ट देखते हैं, पहले रीड करेंगे और चेक करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। 42111, 41052, 42001। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ? 41052 इज ए स्मॉलेस्ट नंबर। ऐसे आपको खुद करना है, बहुत अच्छे से करना है, आपको कॉपी में भी बहुत अच्छे से करना है। पार्ट एल, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ये आपको नोटबुक में खुद करना है। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा। पहले आप इसको उतारोगे, ये वाली लाइन उतारोगे क्वेश्चन वाली, फिर आप उसके नीचे आंसर की लाइन मेंशन करोगे। आंसर में हमें असेंडिंग ऑर्डर करना है। असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा। सबसे पहले हम चेक करेंगे सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, उसके बाद उसकी उससे बड़ी। इस तरह आपको खुद करना है। पार्ट एम, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये भी आपको नोटबुक में करना है। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटा। पहले हम क्वेश्चन उतारेंगे, उसके बाद उसके नीचे आंसर लिखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।